आगे रखा हुआ अभी बहुत है। आगे रखा हुआ बहुत कैसे है? क्योंकि हम एहतियात से चला रहे हैं। वो जा रहे हैं, देखे जो लोग जा रहे हैं हेलमेट के बगैर। सर मैं घर चाहिए टूट गया, सरकारी मुलाजम तनखा मिलेगी तो लिया के पा लांगे। ये क्या हुआ भाई? चोट लगी है, गिर गए थे। कैसे? शॉप से। तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र। हेलमेट नहीं पहना आपने? आपने भी दुकान, ये साथ ही दुकान है हमारी, इधर आ गए हैं, दुकान भी जा रहे हैं, इधर चेकअप करा के। चेकअप कराने के लिए आ गए? ये दोस्त हैं, भाई हैं? मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्त? आपके दोस्त गिर गए, चोट लगी, खुदाना खास्ता मोटरसाइकिल से गिर जाएंगे तो क्या होगा? जारी बात है, चोटें ही लगेंगी और क्या होना है। तो हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट तो हमारे पास है, मौजूद है। वो किस लिए? क्या खजाने में खजाना समझ के रखे उसको? महारी में तिजोरी में लॉक करके रखे? साथ ही दुकान है इसलिए इधर आए हैं, तो नहीं पहना। साथ का क्या कॉन्सेप्ट है? जाना होगा यहाँ से कश्मीर तो हेलमेट पहने? नहीं, वो गाड़ी पे जाएंगे, इस पे तो जा ही नहीं सकते। तो कब पहनेंगे हेलमेट? बस भूल गए हैं। नहीं, आपने कहा ना करीब आ गया तो हेलमेट नहीं पहना। दूर कितना दूर आप हेलमेट पहन के जाएंगे? जब बाहर दूर जाते हैं जो होना इधर उधर, तो फिर तो हेलमेट पहनना लाजमी है। जब वो तब लाजमी, ये तो सड़क क्रॉस करनी है तो इधर हमारी कानून में कोई गुंजाइश है कि सड़क क्रॉस करनी है तो हेलमेट नहीं पहनना? नहीं, कानून में इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप नहीं पहनेंगे हेलमेट। तो कहीं नहीं लगता, मर्जी है आपकी सर। नहीं, कानून में तो ये नहीं लिखा ना कि आपने सड़क से दूसरी सड़क पे जाना तो हेलमेट नहीं पहनना। तो आपने जब सड़क पर आ ही जाना है तो आपने हेलमेट पहनना है, ठीक हो? कानून तो नहीं कह रहा कि आपने माल रोड से जॉय टाउन जाना है तो हेलमेट पहनना है। कानून में जो है वो ये है कि जब आप बाइक पे बैठेंगे पहले हेलमेट पहनेंगे। जो लोग जा रहे हैं हेलमेट के बगैर, उनका कोई रीजन नहीं है पकड़ने का उनको। बिल्कुल है, वो जा रहे हैं, देखे तो सही। बिल्कुल है, ये देखे आपके सामने जा रहे हैं। वो गलत है तो आप भी गलत कर। नहीं, ये नहीं होता कि फिर उनको भी कानून के साथ सजा देनी चाहिए ना। हमारा क्या होगा, चलान होगा, हम दे देंगे और क्या। सवा करोड़ की आबादी है लाहौर शरीफ, तो सवा करोड़ वार्डन भर्ती कर ले है ना। जाहरी बात है, फिर एक एक को पकड़े ना। वो खड़ा है सामने, देखे ये है हेलमेट के बगैर, ये क्यों नहीं पकड़ते इनको? आपको पकड़ के गलती की है? नहीं, हमें सही किया, पकड़ के चलान होगा ना, हमें तो पता है होगा ना। तो बाकी को भी पकड़ रहे हैं? नहीं है ना, पकड़ रहे जा रहे हैं सब, ये जा रहे हैं, ये देखे कितने गिनाऊं, कितने दिखाऊं। हाँ जी भाई, हेलमेट किधर है? हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है। क्यों नहीं है? हेलमेट लिया नहीं, पड़ा हुआ था लेकिन टूट गया था। कब टूटा? कितना अरसा हो गया? थोड़ी देरी हुई है, कॉलेज जाता था इस वजह से। कब जाते थे कॉलेज? कॉलेज जाते हैं डेली, जाते हैं कॉलेज। अभी जाते हो कॉलेज? टूटा कब था? कल परसों, दो चार दिन हुए हैं। ये आपके वालिद साहब हैं? सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बेटा है आपका? हाँ जी। बाइक चला रहा है? हाँ जी। कॉलेज भी जाता है माशाल्लाह? हाँ जी। हेलमेट उससे नहीं पहना हुआ? बस आज ही लेके आएगा, आइंदा लेके आएंगे। आज तो आप साथ हैं, आपके साथ होते हुए अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ वैसे कैसे पहनेगा? पहनता है, लेके जाता है, कॉलेज जाता है, लेके जाता है। समझाते नहीं हैं आप जी? समझाया नहीं? आज आपने कहा नहीं कि तुम्हारा हेलमेट की तरह यार जा रहे हैं हम? यार अभी बस हो गया, बस ठीक हो गया, चलान करवा लिया। पहनना चाहिए, पहनते हैं बच्चे, पहनना चाहिए ना, पहन के जाते हैं कॉलेज, बस आज नहीं है, आ गया ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट की तरह भाई? सर हेलमेट नहीं लेता। क्यों नहीं लिया हेलमेट? सर मैं घर चेंज किया, टूट गया, सरकारी मुलाजम तनखा मिलेगी तो लिया के पा लांगे। की काम कर दे? मैं सरकारी मुलाजम स्वीपर हाँ, स्वीपर हाँ, स्कूल है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल सफा चौंक। कितने अरसा तनखा नहीं मिली? तनखा तो मिल रही है। फिर हेलमेट क्यों नहीं लिया? हेलमेट है, तनखा तो लाँगा ना, है तनखा तो लाँगा। ऐसी तो तनखा तो क्यों नहीं दिता? पिछली तनखा लग गई ही, लग गई सी। इनका क्या करना है? इसका हम चलान करेंगे और क्या करना है? मैंने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से दूँ हेलमेट? पैसे तो इनको खुद चाहिए कि अपनी हिफाजत के लिए चाहिए हेलमेट ना। ये फाजल नहीं मिली तो टांग भी खराब है, लत भी खराब है, तो हेलमेट तो ले लें। हेलमेट हूँ तनखा तो लाँगा सर, बस ये इसको वार्निंग दे दें। चले तो दोबारा ना मिली, ठीक है जाए आगे है जी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह। किधर जा रहे हैं? इन लॉज की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह, कहाँ से आ रहे हैं? घर से जा रहे हैं? यतीम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, किधर है आपके इन लॉज का घर? गड़ी शो। गड़ी शो। और खुद किधर रहते हैं?
वो वहीं पे गणेश के पास ही रहते। आप किधर रहते हैं? यतीम खाने के पास। यतीम खाने के पास। ये हेलमेट किस लिए लिया आपने? सर लिया तो सिर के ऊपर रखने के लिए है। ये आपने बस अभी सर सिर्फ रखा। खूबसूरत ग्लासेस आपने लगाई हुई है, पीछे आपकी बेगम बैठी है शायद। जी जी शायद नहीं, मैंने कहा शायद डाउट है। नहीं नहीं आपने किसी और तरीके से बात की, मैं कहा शायद और किसी तरीके से बात करें। नहीं नहीं मेरे भाई आपकी बेगम है। हाँ जी कन्फर्म बेगम। बड़ी अच्छी ग्लासेस पहनी है। शुक्रिया। तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना सर? अगर मासा हेलमेट तो वैसे उनको भी पहनना चाहिए, अभी अलाउ नहीं है वैसे, सुनना यही है। वाले पहन ले तो बहुत है। तो आपने नहीं कहा मियां साहब हेलमेट लगाई है? नहीं एहतियात से चलाते हैं इसीलिए नहीं कहा। आगे रखा हुआ अभी बहुत है। आगे रखा हुआ बहुत कैसे है? क्योंकि हम एहतियात से चला रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई और भी एहतियाती से आपको हिट कर गया फिर? नहीं वैसे एहतियात करते हैं, ये नहीं कि नहीं। अभी कह रही है ना कि बड़े एहतियात से चला रहे हैं आप। बस स्लो से आ रहा था इसलिए। जी स्लो आ रहे हो आप, कब से मोटरसाइकिल चला रहे हैं? ज़्यादा अच्छा हो गया। पाकिस्तान में आया है। कितने साल हो गए? ये मेरे ख्याल से 15-20 साल तो हो गए होंगे ना। देखा नहीं किसी को गुजरते हुए किसी को हिट करके चला जाता? हाँ बहुत सारे लोग इवन के उसकी गलती भी नहीं होती। हाँ जी कोई किसी को हिट करके चला जाता। हाँ जी तो ये हेलमेट इसलिए बनाया ना सर कि आप सर पे रखें। चले ठीक है सर। ठीक ये हमारे जो भाई हैं ये खूबसूरत ग्लासेस पहन के मियाँ बीवी जा रहे हैं ससुराल। ये जरा लुक अच्छी है, टोपी अच्छी पहन लें, हेलमेट नहीं रखा हुआ है। कौन समझाएगा? सर वायलेशन है इनका, चलान करते हैं। आपने बात कर लिया? जी मैंने इनसे बात कर ली है। वो ससुराल जा रहे हैं, उनको खुशी बड़ी ज़्यादा है ससुराल जाने की। वायलेशन तो सर ससुराल हो गया, जो वायलेशन तो वायलेशन ही है ना। वायलेशन तो वायलेशन। सर लाइसेंस कागज आईडी कार्ड चेक कराइए। और ऐसा नहीं कि इनके पास हेलमेट नहीं है। आपके पास हेलमेट भी है, आपके हेड के लिए। आपकी हेड इंजरी होगी सर, आपको अला नागर को मसला हो जाएगा। आपने टैंकी को पहना है वो सर, आपने पहना है इसको सर। तो सर आपने रोड पे ही उतारा है ना, तो वायलेशन है ना सर। माफ़ी नहीं, इधर हमने बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया है, बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रीफ भी किया है। 20-25 दिन हमने कंप्लेन ही चलाई है, ब्रीफ ही किया है लोगों को कि लो आप हेलमेट यूज़ कर लें, और आप उसके बाद भी नहीं यूज़ कर रहे सर। नहीं चांस वाली अब बात नहीं रहेगी सर। देखिए पता है क्या, आपको मैं चांस दिलवा देता। अभी यहाँ पे हमारे पास बंदा आया, वो बेचारा स्वीपर है, सरकारी मुलाजम है, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपना दुखड़ा सुनाया। आपके पास तो हेलमेट भी है ना सर, कितनी गलत बात है कि हेलमेट। वो सही बात क्या, टैंकी को हेलमेट पहनाया हुआ है कि वो सेफ रहे, खुदा ना खासा उसको सर को चोट ना लगे, आपके सर को चोट। आपकी बात सही है, मैंने जैसे अभी उतारा ही है, ये नहीं कि वहाँ से पीछे से उतार के आ रहा हूँ। क्यों उतारा, क्यों उतारा, क्यों आया था? तो इसलिए मैंने वो फिर जैसे उतारा था। वैसे तो जानबूझ के तो कोई भी नहीं अपनी सेफ्टी और भी चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। आपने हेलमेट नहीं पहना? सर में दर्द है। सर में दर्द है क्या? पहना नहीं जाता, मजबूरी है। तो आप मोटरसाइकिल पर निकल रहे हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा है। दरबार जा रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन आपकी उम्र ज़्यादा है। खुदा ना खास्ता आप कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अल्लाह रहम। तो फिर क्या, हेलमेट तो ज़रूरी है ना। हाँ अल्लाह रहम का खैर हो, अल्लाह पाक। वो कह रहे हैं जी कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं पहन सकता। मजबूर? कौन सी मजबूरी है आप? सर का मसला है। तो आप किसी सरकारी अस्पताल से या कहीं डॉक्टर से लगवा लेना, तो मेरा ये मसला है सरकारी साइड पर लगा। चले जाएं जी।